चकते टिब्बे लाता झोना, धरती कहिंदे उगले सोना, फसल बीज ली धरती खाणी, समरसीवला ने खिचता पानी, रेहां पा स्परेहां करके मंडियां च लातियां ढेरियां, अजकल दिसदियां नहीं किकरां टालियां बेरियां, किथे चलियां गईयां किकरां टालियां बेरियां। नाम निशान ही मिट गए ने निम जंड ते बोड़ां दे, 20-25 साल दे मुंडियां नूं हुण दर्द हुंदे ने जोड़ां दे, पैदल तुर के चढ़दियां खलियां, मुल विकदे ने गन्ने छलियां, ना हुण किधरे चरी बाजरे ना कपाहां खिड़ियां, उडारी मार गईयां घुग्गियां गठारां चिड़ियां, किथे चलियां गईयां घुग्गियां गठारां चिड़ियां। अंदर धरती दे बोर ला ले, जिस दिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जांदा है वो पहले तो दस के ही जाते पर सुनो आवान छापा मार, फिर कहता छापा जी वो जो दो दिन ही देते उन्होंने वो ढक देंगे ने जमा, वो बोर नहीं लभदे जी जिहड़े हुंदे ने अंदर चाह पी के, चलो चंगा बहुत वधिया जी सारा देख लिया चैक। सो मेरे को उंगलों च लिखे पे ने, कोई मेरे नाल इस किस्म की हो ना करो कि नहीं जी असं करते हैं करते हैं, वो बोर मैं दिखा दूंगा थोनों। आपां इन्ना इन्ना चिर नौकरियां कीतियां, इन्ने इन्ने हरे रंग दे पेन अपने हत्थां च रहे, एडियां कुर्सियां एसी गड्डियां, ताकियां खोलण दी भी लोड़ नहीं पैंदी, ताकी भी पहलां खुली तलाई मिलदी है, बंद करन दी लोड़ नहीं पैंदी, बाहरों ही बंद हो जांदी है, ते कृपा करके कुछ ना कुछ तो फिर समाज नूं दिओ ना वापस, जिहड़े समाज ने इन्नियां टौरां दित्तियां। कुदरत नूं बचाउणा है, कुदरत नूं छेड़ना नहीं, और कुदरत नूं छेड़न वालियां नूं सज़ा दा भी प्रवाह नाल कर करना चाहिए करांगे, कि जे तुसीं इस तरह करोगे फिर ऐ भी नहीं है कि कानून का डंडा भी चलूगा ना। साडा नाम पहला पूछ देते सी मिल्खा सिंह कैसे हैं, दारा सिंह का क्या हाल है, और कितने फौज के जरनैल हैं आपके फौज, कितने बड़े बड़े प्लेयर, अज भी हाकी की टीम से 7 प्लेयर अपने पंजाब में, सारे पंजाब में कल्ले कल्ले घर नूं, कल्ले कल्ले पहे नूं, कल्ली कल्ली सड़क नूं, कल्ले कल्ले दरवाजे नूं टच करना पड़ेगा जे पंजाब नूं सेहतमंद बनाउणा। 33 साल जिन्ना असी चौल एक्सपोर्ट किया देश नूं, जे कि उन्हें पानी दे देंदे बहुत ज़्यादा अमीर होना सी सूबा साडा, अज भी 80% 90% फिल्मों वाले बॉलीवुड वाले शूटिंग करने लिए इत्थे आउंदे, क्योंकि उन्होंने एदू बाद हरियाली, एदू बाद सरों के पीड़े फुल, एदू बाद उन्होंने मतलब मेज़बानी करने वाले अखां ते बिठाउण वाले लोग नहीं मिलते कितने। सब तो ठंडा पानी कितों का होंदा सी पता, रास्ते जिथे कोई नहर ते जां सूए ते नलका लग्गिया होया उत्थे ठंडा पानी ज़्यादा होंदा सी, क्योंकि सारा पत्तन उहदी नाल ही हुंदा सी, हुण नलके ही खत्म, हुण तां चार चार घरां ने रल के समरसीबल मोटरां लवा लईआं जी, नहरां दा पानी तां टेलां तक पहुँचा दईए 14 लाख ट्यूबवैल चों, अद्ध तों वध असीं ट्यूबवैल बंद कराउण च 6 महीनिआं च साल दे विच असीं कामयाब होवे, साडा पानी उपराउण लग जूगा। अज वातावरण डे है, वातावरण दिवस, वैसे तो हर रोज़ ही चाहिए है वातावरण दिवस, एक दिन नहीं चाहिए साल च, क्योंकि जिस तरह बाबा जी ने कहा कि सानू तो गुरुआ ने पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत उस वेले प्रवचन दिते सी, उस वेले दिशा निर्देश दिते सी, प्रेरणा दिती सी, जिस वेले कोई फैक्ट्रियां नहीं सी, कोई डंपिंग नहीं सी पानी दी किते बोर करके थले पाउंदा, क्योंकि गुरु साहब ने अगे आने वाला भी लिखता कि आ तो तीन चीज़ां संभाल लियो, पर बदकिस्मती नाल असी पवन गुरु पानी पिता ते माता धरत, असी धरती हवा ते पानी दे जिहड़े दर्जे सानू गुरु साहब ने दसे सी वह कायम नहीं रख सके, कमियां समाजिक भी रहियां, सोशल जिहड़ियां कमियां वह भी रहियां, सरकार वल्लों भी रहियां। मैं तो कहना हुंदा कि जे किते दरख्तां दी जां किसे नदी दे जां कस्सियां दे पाणी दी वोट हुंदी तां मुद्दे कदों दे सफल हो जिहड़े काम हल हो जांदे हुण, क्योंकि दरख्त वोट नहीं पा सकदे, इस करके वो साडे राजनीतिक पार्टियां के मैनीफेस्टो च नहीं आते,
ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੀ ਟੂ ਟ੍ਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਟਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੱਕ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਲਾਤਾ ਝੋਨਾ, ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਗਲੇ ਸੋਨਾ, ਰੇਹਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਧਰਤੀ ਖਾਣੀ, ਸਮਰਸੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਖਿੱਚਤਾ ਪਾਣੀ, ਰੇਹਾਂ ਪਾ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਤੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ ਨਿੰਮ ਜੰਡ ਤੇ ਬੋੜਾਂ ਦੇ, 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਖੱਲੀਆਂ, ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਛੱਲੀਆਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਚਰੀ ਬਾਜਰੇ ਨਾ ਕਪਾਹਾਂ, ਖਿੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਗਟਾਰਾਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਗਟਾਰਾਂ ਚਿੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਗਟਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਫਿਰ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰੋ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੀਏ ਐਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਮਾਂ, ਐਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਐਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਜਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਛਡਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਪ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਛਡਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੂੜਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ,
ना तो उत्थों की पुलिस कुटदी है जी, ना उत्थों की पुलिस कोई झूठा केस पाउंदी है। वह तो हैलो सर कह के आउंदे ने ते $100 की टिकट फड़ा कहंदे ने हैव ए गुड डे सर, पर वो जो टिकट है वह कला चलाण है नहीं ना, वो सिस्टम च चलाण पै जांदा, फिर तो रिकॉर्ड पर चला जाता है। फिर तुम जिथे भी जाओगे कोई नौकरी मंगन जो वो कहेंगे तन सड़क पर तू ठीक नहीं चला रहा गड्डी, मतलब तू ऑफिस भी यही बिहेव करेगा, ऐ जोड़ दे इंटरलिंक्ड कर दे सारी चीज़। बोइंग ने सियाटल दे विच बोइंग है जिहड़ी जहाज बनाउंदी कंपनी, थोड़ा जिहा पानी कितने डंप करता अनट्रीटड, अज तक जुर्माना भर रहे ने कंपनी, नाले उहदे नाल कोई किते इधर उधर नहीं गया, बस कहिंदे कीता क्यों तुसीं, उन्होंने तो हजे पानी कड्डे नहीं अपना, वह तो पानी सामभ के रख रखे उन्होंने अपना। अज धरती चो तेल खत्म हो जाए अमरीका को 47 साल का तेल पे है, आपका छेड़े ही नहीं उन्होंने, इधरों उधरों कर दे इराक चो लै लो लड़ा के उधरों लै लो, मतलब आपदे वाले तो उन्होंने सोर्स छेड़े ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने हजे माइनिंग शुरू की ही नहीं पर्थ के, कहते इधर उधरों सरदा सार लो हजे अपने वाले तो ही पै रहन दो, असी आए हाँ आपका खेत ही नहीं छड़िया, असी आपदे खेत नहीं 10 फुट डूंगा करी बैठे जी, जावांगे कितने फिर। असी कहने यार चल पराली नूं तां पहलां लाउंदे सी हुण नवां काम शुरू कर लिया, कणक दे नाड़ नूं भी अग लाउण लग गए, यार धूआं सड़क ते जांदा एक्सीडेंट हुंदे ने मौतां हो जांदियां ने, ना जी ये देखते ही नहीं है कि दरख्त मचणगे इहदे नाल, छत्ते मच गए उन्हां दे, मैं कर सी मधुमक्खियां दे, ते फिर दसो जी किहड़े पासे जा रहे हां सी हुण। अच्छा होना की है, कुछ नहीं होना, वो जिहड़ा नाड़ है ना वो सुक जाना है मई ते जून, जो तक झोना लाउणा है जे तवियां विच वाड़ोंगे तो टोटे टोटे हो जाना, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, कोई वो तंग नहीं करता बिजाई वेले, फिर भी चल कहिंदे खेत आए होए आग ही ला चलदे। ये बंद करना पैना, किसी ना किसी तरीके बंद करना पैना। ये हो गया पराली, फिर आ गई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जिहड़ा उहदे च भी असी अंदर धरती दे बोर ला ले, जिस दिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जांदा है वह पहले तो दस के ही जाते पर सुनो आवांगे छापा मारन, फिर कहदा छापा जी, वो जो दो दिन ही देते तुसीं उन्हां नूं वह ढक देंदे ने जमा, वह बोर नहीं लभदे जी जिहड़े हुंदे ने अंदर चाह पी के, चलो चंगा बहुत वधिया जी सारा देख लिया चैक जी। सो मेरे कोल उंगलां च लिखे पए ने, कोई मेरे नाल इस किस्म की हो ना करो कि नहीं जी असीं करदे हां, वह बोर मैं दिखा दूंगा तुहानूं। पर मैं उन्हां नूं कहना चाहुंदा जिन्होंने बोर ला के ढक ले, तुहाडियां पीढ़ियां भी तो इत्थों ही पानी पीणगियां, तुसीं किसी होर ग्रह तों पानी पीने हो, तुहानूं मंगल ग्रह तों आउंदे टैंकर पानी दे, ते तुसीं इस पराली नूं खराब करदे हो, की प्रॉफिट पैसा, जे ट्रीट करोगे तो ते पैसा लगता ट्रीटमेंट प्लांट ते ना पैसा, फिर नाल ले जाओगे पैसे नाल बचा लिया कोई किसी ने, उदों कहिंदे उदों पता लगता नहीं पैसे जिन्ने मर्जी ले लो जी, बेटा ठीक होना चाहिए या बेटी ठीक होनी चाहिए, रब किसी नूं इस तरह की कोई बीमारी ना करे, पर उदों पैसा कम नहीं आता फिर। सो इस करके जे आपां इह करिए कि आपां आप ही खुद ट्रीटमेंट प्लांट ला के ते पानी नूं बचा लीए, पराली नूं अग ना ला के हवा नूं बचा लीए, स्प्रेयां ना करके धरती बचा लीए, हुण थोड़ा जिहा कंट्रोल हो गया, पर सरकार आ गई हुण, असीं PAGO नाल गल करके इस बार कंट्रोल कर रहे हैं पूरा, पहले तो कोई दसदा ही नहीं सी जी स्प्रे किन्नी करनी है किन्नियां करनियां ने, ना मकदार ना गिनती, दुकानदार कहंदा जी 40 ml पा लियो, जिमीदार कहंदा चल 60 पा ला, वो जिहड़ा मुंडा नाल हुंदा हैल्पर वह कहंदा हुण करन तां लगे ही आ 100 ही कर दिंदे आ, की पता है उहदे च किन्नी बाउणी ना
चक दे सारी। सो मैं अज देखा इतने मैंने दिखाया कि बासमती दे विचों असी वो कढ लैने पेस्टिसाइड इन्ने कढ के दिखाए इन्नी कु बासमती चों, मतलब किन्ना अपने अंदर जा रहा सारा कुछ, किन्निया हैपेटाइटिस सी तो लैके किन्निया गंभीर कैंसर तो लैके कहो कहो जी बीमारियां चल रही ने। सवेरे 3:30 कद्दू दे बेल च टीका ला देंदे ने, कद्दू एडा हो जांदा जी मंडी जाण तों पहलां, सब्जियां नूं टीके लगन लाते, मज्जां नूं टीके ला के चोण लग गए, ते फिर आपदे भी आपां भी टीकियां ते चलांगे, फिर होर की होगा, फिर जो कुदरत नाल छेड़छाड़ी कर ली। जिस तरह बाबा जी कहिंदे सीगे जदों पहलां पाणी दा इन्ना इज्जत, नलका जां बोर लाउण तों पहलां बकायदा अरदास, दिवाली वाले दिन मैं खुद जांदा रहा, बिस्कुट जा बर्फी तां मिलणगे घरें, दिवाली शुरू तां हू, पहलां खेत जाके ख्वाजा पीर दा दीवा ला के पखे दे उत्ते रख के, ख्वाजा पीर दा पाणी दे पीर मंदे सी कि ख्वाजा तंदुरुस्ती बख्शी, पाणी दिंदा रही, पाणी जीवन है। ते अजकल देख लो तुसीं कौन, कोई नहीं इन्हू फॉलो करता, जिथे इधर छड़ दो इधर छड़ दो। ले असी हुण थोड़ा जा बिजली कट करके थोड़ा जा काबू किया, एवें ही मोटर छड़ देंदे कहिंदे जमीन ठंडी कर लैंदे आ। ये कित्थे लिखे है भी तत्ती जमीन दे विच जीरी उगदी नहीं, गर्म जमीन च झोना नहीं हुंदा, दसो जी। उई चलो मोट बिजली आई हुई है, चलो छड़ दे पानी, पानी नहीं हैगा, वो चांदी है, चांदी रंगा कढ़दे आ ना, चांदी है वो। जे किते मैं तो कहना जे किते किन्ने साल हो गए सानू झोने च फसिया, 1990 तो ही ला लो, चलो 90 तो अज 33 साल हो गए, 33 साल जिन्ना असी चौल एक्सपोर्ट किया देश नू, जे किते उन्हां पानी दे देंदे बहुत ज्यादा अमीर होना सी सूबा साडा, बहुत ज्यादा अमीर। अज वो पानी 20 रुपया दा मिलदा इन्ना का। जदों मैं नवा नवा आर्टिस्ट दे तौर ते हिट होया 1993-94 च, मैं दिल्ली गया शो करन, दिल्ली आके मैं पिंड गया, पिंड आके मैं कहा भी उत्थे 25 पैसे, 54 कहिंदे 25 पैसे लगदे एक पानी दे गलास दे, मन्ने नहीं हैगे लोग, लै पानी भी कितने मुल विकदा हुंदा, मन्ने नहीं हो, कहिंदे एवें झूठ बोली जांदे मैं दिल्ली च पानी आके 54 दा गलास लै, पानी तो रब ने दिता है कितने मुकदा हुंदा। तो हुण मैं उन्हां नूं कहना हाँ जी कि मैं किन्ने दा लिआउणा है, वह कहिंदे जी उह लिआउने आ आरओ तों 1,000 रुपया दा। मैं कहा फिर मैं तुहानूं अज तों 30 साल पहलां कहता सी पानी मुल विकदा। सो इस करके वह कस्सियां ओह बोर वह चवच्चे औलू खत्म, असी हुण कोशिश कर रहे हैं नहरी पानी नूं उत्थे तक लैके जाइए पिंडां तक, कस्सियां जिथे ढह गईआं कब्जे हो गए अजी थलों दी पाइपलाइन पा देंगे। बहुत सारे तुम वीडियो देखी होनी, बहुत सारे लोग इस बार कह रहे हैं कि 20 साल बाद नहरी पानी नाल असी जीरी की पनीरी की सिंचाई कर रहे हैं जी, और टेलों से फाजिलका दी बोर टेलों से पहुँच गया जी पानी, पहली बार वो कहते जी पहली बार। अच्छा जी एक मैनू पता नहीं कि कांग्रेसी पता नहीं कि वो कहिंदे जी देखो हजे झोना लग्या नहीं, हड़ आए नहीं, इन्हां दियां जिहड़ियां कस्सियां ते सूए ते नहरां हुणे टुटण लग गईआं। मैं कहा जी ते टुटण गईआं, पहलां पाणी नहीं आया कदे, टुटी नहीं तुहाडे वेले, टुट के तां पता लगू कित्थों कमजोर ने। इस करके जदों तक असीं झोने वास्ते वरतणा उदों तक असीं तकड़े कर लाँगे। हुण जिहड़ा कोई घरों निकले ही नहीं, उह सियाणे कहिंदे आ गलती भी उह तों ही हुंदी आ जिहड़ा कम करदा, काम दौरान गलतियां हो जाती ने, जो घरें बैठा उन्हें कुछ काम ही नहीं को किया तो गलती किमें करूगा। सो जे इन्हों का की है, इन्हों वो गल्ला ने मतलब हर गल चो विरोध करना है, जिन्ना मर्जी सरकार चंगा कदम करी जाए वह तो देखते हैं, कहते भी अज विरोध किमें करिए, चीज़ की कभी, हालांकि उन्होंने समझ नहीं हैगी कि लोग ये गल बुरा मानते हैं
घटो घट चंगे तो चंगा कह दिया करो। वही है ना कि किसी की गल किसी ने जुड़ती हो ही नहीं, गल किधरे होर दी गल किधरे होर लाउणी है। एक किसी कवि ने पता नहीं किहड़े मूड च लिखी ने, वो कहिंदा रावी चो निकलियां तीन नहरां, रावी चो निकलियां तीन नहरां, एक खाली दो वगई ना। फिर इहदा मतलब तां तीन ही खाली ने ना, वगई ना कहता। रावी चो निकलियां तीन नहरां, दो खाली एक वगई ना, जिहड़ी वगई ना उह च नहाउण गए तीन बंदे, दो डुब गए इक लभे ही ना। नाले तो कहते पानी है नहीं, उस नाले नहाँ गए ना डुब गए, उस नहाँ गए तीन बंदे, दो डुब गए एक लभे ही ना। जोड़ा लभे ही ना उन्होंने लभिया तीन गावं, दो फंडर एक सूए ही ना, मतलब तिने ही नहीं। जिहड़ी सूए ही ना उन्हें दिते तीन बच्छे, लै जिहड़ी सूए ही ना उन्हें दिते तीन बच्छे, दो लांगड़े एक उठे ही ना। जिहड़ा उठे ही ना उहदी कीमत तीन रुपये, दो खोटे एक चले ही ना। जिहड़ा चले ही ना उहनू देखण आए तीन सुनियारे, दो अन्ने एक नू दिसे ही ना। जिहनू दिसे ही ना उहदे मारियां तीन मुक्कियां, दो खुस गईआं एक वज्जी ना। लै आ है इहनां दा है कुछ भी नहीं, इह च गल बहुत वड्डी बणाती। सो मैं इस अज वातावरण दिवस के जरिए बहुत सारे करोड़ों लोगों को पंजाबियों ने दसना चाहना, पंजाब सरकार की नीयत जिहड़ी है वो आबो हवा नू ठीक करन दी है। वो पंजाब नू रंगला पंजाब ताईं बनावांगे, कला स्कूल बना के कॉलेज बना के जां तुसी इंडस्ट्री नू लिया के जां तुसी फसलां दे भा दे के जां मजदूरां दे हक्कां नू प्रोटेक्ट करके कला रंगला पंजाब नहीं बनना। रहन वाला माहौल भी होवे इत्थे, इत्थे सां जिहड़े लैण वास्ते ऑक्सीजन होवे, इत्थे पानी जिहड़ा है वो इन्ना शुद्ध होवे। उस पानी नाल तुसीं देख लो नंगल तो सतलुज दरिया निकलता 13 अप्रैल 1699 में, उस सतलुज चो पानी लैके गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत बनाया सी। अज नंगल तो नीला चलता है, लुधियाने तक काला हो जाता। क्यों होंगे जी? मैं इत्थे अफसर बैठे ने आ गल नोट कर लियो, सतलुज नंगल तो नीला चलता है, लुधियाने तक काला। भाखड़ा नंगल उत्थों ही निकलती है, भाखड़ा उत्थों नीली चलती है, सारे पंजाब च नीली। की कारण है जी? दा क्योंकि भाखड़ा चो पानी निकलता है, भाखड़ा च पानी पैंदा नहीं, सतलुज च पानी पैंदा है पंजाब दा, सारिया इंडस्ट्रियां दा। जाके जदों बाया कसूर होके आ जाता ना, कसूर पाकिस्तान ने भी सारिया चमड़े दी फैक्ट्रियां किनारे ला रखियां ने, वो भी गंद मंद पा के वापस आ जाता दोना नानका पिंड दे नेड़े, ते जरहेला पिंड है, तार बिल्कुल तार नाल है उन्होंने, इदा वापस आ जाता। उन्होंने पत्तना च पानी आ गया। अज तो 15 साल पहला मैं उत्थे गया सी, बाबा जी नूं पता इस गल, पत्तना च पानी आ गया, हो पोल्यूशन। हर घर च व्हील चेयर है, जे बेबी पैदा होना है उस उत्थे करें तो उत्थे खिडौने नहीं लिया, व्हील चेयर लिया।